Hello students, in this session we will continue with exercise number 10.1. In that, question number 2. Write true or false and give the reasons for your answers. First one, line segment joining the center to any point on a circle is the radius of a circle. That is true. See, this is a circle. यहाँ पे center से एक line draw करो जो कि circle को touch करनी चाहिए. तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. हाँ, तो वो सही है. दैट्स ट्रू. अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स. दैट इज फॉल्स. वी कैन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्ड्स इन अ सर्कल. हम जितनी चाहे कोर्ड्स बना सकते हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल हो. ठीक है. इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इन टू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क. क्या बोला है? एक सर्कल है, इसको हमने 3 आर्क में डिवाइड कर दिया. यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, और यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड आर्क. 3 आर्क्स में डिवाइड कर दिया. तो ये तीनों मेजर आर्क है. नॉट पॉसिबल. मेजर आर्क कोई एक ही हो सकता है. माइनर आर्क के सामने वाला आर्क हमेशा मेजर आर्क होगा. तो डेफिनेटली वी डू नॉट हैव ऑल द मेजर आर्क्स. उसमें माइनर आर्क भी होंगे. तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. राइट. नेक्स्ट वन इज अ कोर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. ओके, लेट्स हैव अ सर्कल. इसमें एक ऐसी कोर्ड ड्रॉ करते हैं जो रेडियस से डबल हो. तो डेफिनेटली वो कोर्ड कौन सी होगी? डायामीटर होगी. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अ सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क. रॉन्ग. कोर्ड और आर्क के बीच के रीजन को सेक्टर नहीं सेगमेंट कहते हैं. ठीक है. एंड अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. राइट. वी आर ड्रॉइंग इट इन अ प्लेन. वी आर नॉट ड्रॉइंग इट 3D. 3D होता तो वो स्फीयर कहलाता. प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं. 2D है मतलब ये एक प्लेन फिगर है. Got it?